देश के कई हिस्सों में अभी भी ठंड का कहर जारी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जहां कोहरे की घनी चादर है, वहीं कश्मीर घाटी में सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लोग कपाने वाली ठंड का सामना कर रहे हैं, यहां पारा शून्य से नीचे जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार के दिन भी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी बारिश के आसार हैं। बढ़ते धुंध की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण में और वृद्धि हो सकती है। वहीं 22 जनवरी की दोपहर से प्रदूषण में कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि 22 जनवरी से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं मध्यम रफ्तार से चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी इलाकों में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश और हिमपात हुआ है। वहीं उत्तराखंड के कई हिस्सों में अलग अलग जगहों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी का यमुनोत्री मंदिर बर्फ से ढक गया है, जहां 5 फीट बर्फीली परत से मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। पर्यटकों का पसंदीदा शिमला घने बर्फ से ढका हुआ है। श्रीनगर, पहलगाम, कुल्लू, मनाली, शिमला, केदारनाथ, मसूरी और नैनीताल में कल सुबह तक भारी बारिश और हिमपात होने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।